अभी देख रहे हैं, ए एनएफटी बैंक है और ए एनएफटी 50 है, तो इसमें एक सेटअप बन रहा है अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए एनएफटी 50 में देखिए मार्केट ने ऐसा आया और एक स्विंग स्विंग जैसा कर रहा है 1 मिनट पे, देख सकते हैं 1 मिनट पे मार्केट ने एक स्विंग जैसा कर रहा है ईएमआई के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर एक एंट्री हो सकता है, क्योंकि आप लोग को बोल रहा हूँ देखिए इधर ईएमआई मतलब यह मार्केट बुलिश हुआ है एनएफटी 50 में, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया है, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल हो रहा है ना, तो इसका इसमें एंट्री होगा, ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस होगा इसमें, इसका लो पे ही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है आप लोगों को बता देता हूँ, लॉजिक क्या है देखिए, इसका जो पुट का चार्ट है इधर देखिए, इसका जो पुट का चार्ट है और देखिए ईएमआई से रिजेक्शन आ रहा है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इधर मान लीजिए सपोर्ट है, मतलब इसको एक बार तोड़ देगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल हो जाएगा ना, तो ये तेज़ी से भाग जाएगा, और यहाँ से आप लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और इधर भी देखिए, इधर भी जो बैंक निफ्टी सपोर्ट का काम कर रहा है, इधर सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से बुलिश हो रहा है, ठीक है। तो निफ्टी 50 भी यहाँ से बुलिश हो सकता है। चलिए एक ट्रेड हमने ट्रेड तो लेना है भाई, बट मार्केट मार्केट क्या करना चाहते हैं तो पता नहीं चल रहा है भाई, मतलब ये 2-3 दिन मार्केट ने क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है। मार्केट ले रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम सीट हो जा रहा है, मतलब अच्छा खासा कैंडल हो रहा है, ठीक है। तब भी ट्रेड लेने के लिए जा रहे हो ना, तब भी टॉपलेस हिट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मार्केट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब साइड वाइज है, जिसमें ऑप्शन सेलर जो है ना वो पैसा बना रहा है, ऑप्शन बायर जो हम लोग आप लोग है ना, तो हम लोग को पैसा हम लोग ले रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का भी एक दिन आएगा, हम लोग भी अच्छा खासा कमाऊंगा मार्केट में, ठीक है। चलिए इधर जो आ रहा है ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट बुलिश होना चाहिए भाई, इधर जो आ रहा है ना ग्रीन कैंडल, तो ये भाग सकता है, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता है। देखिए एक बार इधर क्लोज कर देगा ना ग्रीन कैंडल, तो हम लोग इधर एंट्री एक बार ले लूँगा, एंट्री ले सकते हैं इधर, इसको भी इधर नीचे आना चाहिए, मतलब रेड कैंडल जो हो रहा है ना, ये रेड कैंडल मतलब इस जो सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल होना चाहिए, तब मजा आएगा कॉल में। देखिए 15 मिनट पे क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, 15 मिनट पे तो डोजी जैसा कैंडल हो रहा है अभी, और एफटी 50 में देखिए 15 मिनट पे, एफटी 50 में देखिए 15 मिनट पे जो यहाँ से सपोर्ट भी कह सकते हो, ये सपोर्ट है यहाँ, ठीक है, एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट से अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। अभी देखिए आपको बोला था ना यहाँ से बाइंग आएगा, तो बहुत तेज़ी से बाइंग आ सकता है। देखिए यहाँ रेड कैंडल आ रहा है, ये रेड कैंडल क्लोज दे देगा, मतलब इधर नीचे क्लोज दे देगा, तो ये तेज़ी से भाग, जहाँ तक ये रेड कैंडल जो हो रहा है ये इधर नीचे क्लोज दे देगा ना, तो ये और तेज़ी से भाग जाएगा भाई, आप बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, मतलब ये ऐसा एनालिसिस है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आपका। तब देखिए वीडियो पूरा से देखिए, आपको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है भाई, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ प्रॉफिट लॉस देख के कुछ भी मत समझिए, ठीक है। आपको सिर्फ एनालाइज लॉजिक देखना है, जो लॉजिक कैसे हम लोग ट्रेड पांच कर रहे हो, क्यों नहीं पांच कर रहे हो इधर ट्रेड, तो वो लॉजिक आप लोगों को देखना है, जस्ट लॉजिक देखना है। हम कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो हम जो बोल रहा हूँ वो हो भी सकते नहीं भी सकते हो, बट हम तो कॉलपुट नहीं दे रहे हो ना, तो कॉलपुट लेकर क्या होगा भाई, एक दिन कॉलपुट आप लोग लेगा उसके बाद हम भाग जाएंगे, तब क्या होगा आपका ना, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग लॉजिक जो हम लोग लॉजिक आपको बोल रहे हो ना, लॉजिक समझिए, लॉजिक आप लोग एक बार याद मतलब समझ गए ना, तो आपको पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा फिर, तो लॉजिक समझना पड़ेगा भाई। देखिए यहाँ से आ सकता है मार्केट, हमने देखिए कॉल का प्रीमियम मतलब स्कैल्पर मोड पे ऐड कर रखा था, मतलब लेने के लिए, बट नहीं देखा, नहीं तो यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये चलिए मेन चार्ट एक बार फोकस कर ले, तो क्या हो रहा है, तो मेन चार्ट में तो अभी मतलब ज़्यादा मार्केट बहुत स्लो है यार, और कुछ नहीं बता सकते, मार्केट बहुत स्लो है, या तो सपोर्ट ले रहा है, स्विंग जैसा हो रहा है, आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा स्विंग हो रहा है, एक मिनट गाइस, हाँ देखिए यहाँ से स्विंग जैसा हो रहा है, सॉरी कलर को चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, कलर को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रेडी हो रहा है। अच्छा हाईलाइट करके दिखा, देखिए यहाँ से एक स्विंग हो रहा है, मतलब एक स्विंग जैसा हो रहा है, तो ये ऊपर भाग भी सकता है फ्रेंड्स, ऊपर भाग भी सकता है, और इसमें देखिए इसमें भी सेम होगा, हाँ इसमें देखिए जो बुलिश कैंडल हुआ ना, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है, ये तीनों जो कैंडल हुआ है ना बहुत अच्छा है, एनएफटी 50 में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बुलिश कैंडल है ये, इसमें स्विंग हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ स्विंग हो रहा है, देख सकते ऐसा कुछ मार्केट ने कर सकता है, मतलब ऐसा स्विंग बना रहा है मार्केट ने, तो चलिए देखते हो क्या होता है मार्केट में। देखिए जल्दीबाजी ट्रेड करना बहुत गलत है भाई, जल्दीबाजी ट्रेड मत करना है, आप लोगों को जल्दीबाजी ट्रेड मत करना है, एकदम छोड़ दीजिए जल्दीबाजी, ट्रेड नहीं मिलेगा क्या आपको, दिन में एक ट्रेड मिल जाएगा तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, तो आप 500-1000 आराम से कमा सकते हो, तो जल्दीबाजी ट्रेड करके आपको नुकसान करके क्या फायदा है, हमको बोलिए,
जल्दीबाजी ट्रेड मत करना है भाई, जल्दीबाजी ट्रेड नहीं लेना है, उसमें आपका माइंड सेट पूरा खराब हो जाएगा। मतलब एक बार लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा, और उसी दिन आपका अकाउंट में जो कैपिटल रहेगा मचेगा, मतलब जो डीमेट अकाउंट में जो ग्रो का जो काइट का बात जो कुछ आपका पास ब्रोकर का अकाउंट है उसमें जो कैपिटल बचेगा ना, वो आप लोग ना क्या करेगा पता है, वो जो आप जो एक्सपायरी होता है ना, एक्सपायरी में पूरा पैसा डाल देके आप लोग समझ, आप लोग मतलब ऐसा समझोगे कि क्या हम लोग को जो लॉस हुआ था वो ज़्यादा क्वान्टिटी ले रहा हूँ तो उसमें आ जाएगा, मतलब उसमें एक भी पॉइंट आ जाएगा तो हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करोगे तो डूब जाओगे, ऐसा करोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए आपका के लिए नहीं है। ट्रेडिंग है मतलब आराम से बैठिए, कंप्यूटर लैपटॉप फ़ोन वगैरह जो भी है आराम से बैठिए, एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट, जो चार्ट है, इस चार्ट हमने देख रहे हो, ये चार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब चार्ट को अपनों देखिए, यहाँ पर एक हमने बाई करूँगा ठीक है, तो एक बार नीचे से आ रहा है, मतलब एक पुल बैक आ रहा है, तो पुल बैक में हम लोग एंट्री लूँगा और ये नीचे ऐसे रहेगा ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल, मतलब पुल बैक लेकर ग्रीन कैंडल होगा तो अच्छा होगा, चलिए कोई बात नहीं है। प्रीमियम का चार्ट देख लेता हूँ, देखिए यहाँ से 1 मिनट में यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है, देख सकते हैं एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल चाहिए, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल चाहिए, तब हमने एंट्री लूँगा, और इसको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकते, साइडवेज हो जाएगा। ये लेवल को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब यहाँ तक जो पॉइंट है 12 पॉइंट वो मिल जाएगा ठीक है। और इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, ये तो ब्रेक कर दिया, हाँ ये निकल जाएगा, देखिए ये निकल जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा कैंडल तो हो रहा है बट मूवमेंट नहीं है भाई। क्यों मूवमेंट नहीं है, इतना दिन से मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में, कोई भी इंडेक्स में मूवमेंट नहीं हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा हो रहा है बट मार्केट साइडवेज 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन होता है, तो उसके बाद एक बड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं मार्केट में ठीक है। तो कोई चिंता का बात नहीं है यहाँ कि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, नहीं देगा तो कहाँ जाएगा भाई, आज नहीं दे रहा है तो कल देगा ना, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा खासा बुलिश कैंडल हो रहा है, या रेड कैंडल देखिए एक बार, देखिए ये आराम से जो टारगेट है ना हिट हो जाएगा, आराम से टारगेट हिट हो सकता है आराम से, क्योंकि लॉजिक है भाई, इन लॉजिक में हम लोग काम करोगे ना तो आप लोग का लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा वो आपको पता नहीं है, मतलब प्रॉफिट आपका हाथ में है, प्रॉफिट आएगा तो आपको आप बुक करेगा तो आपका वो मतलब प्रॉफिट आपका है ठीक है, आप जितना चाहे वो बुक कर सकते हो, बट लॉस को हमने कम करने के लिए ऐसा ऐसा करना होगा, तब लॉस कम होगा। देखिए मतलब अच्छा खासा बुलिश, मतलब हमने जो टारगेट दिया है देखिए भाई, हैकाडोट वॉल जैसा हो रहा है यहाँ सीन, मतलब लॉस को लॉस को कट करना होगा, लॉस को बहुत छोटा करना होगा, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लॉस को बहुत छोटा करना होगा। देखिए हमने आपको बोला था ना यहाँ से ग्रीन कैंडल हो रहा है, ये जो कैंडल हुआ है देखिए 1 2 3 4 चार कैंडल, अच्छा बुलिश कैंडल बन सकते हो, मतलब अच्छा कैंडल हो सकता है, अच्छा कैंडल ही है ये, देखिए देखिए कितना ज़्यादा हम आ रहे हैं, ओ यार हमने तो एंट्री नहीं लिया था ठीक है, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। देखिए कितना अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है, अभी पॉइंट मिल रहा है आपको 18 पॉइंट, एक लॉट से आप लोग बाई करोगे तो 18 पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है MT50 में भाई। तो देखिए लॉजिक समझिए, मतलब जो लॉजिक आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, लॉजिक आप लोग एक बार समझ लीजिए तब आप निकल जाओगे ऊपर, मतलब आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है प्रॉफिट से ठीक है। तो इसमें लॉस प्रॉफिट तो होगा ही भाई, लॉस प्रॉफिट तो होगा ही, नहीं तो आपका जाएगा, आपका पैसा जाएगा तो किसको भी, आपका पैसा जाएगा तो दूसरे को मिलेगा ना, और दूसरे को जाएगा तो आपको मिलेगा ना, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, इसमें ऐसा ही होता है। बट इसमें इतना ज़्यादा पैसा है ना, आप लोग 500 1000 पर डे कमा सकते हो, देखिए यहाँ से कैंडल जो है बहुत अच्छा कैंडल हो रहा है MT50 में, बहुत अच्छा अच्छा कैंडल हो रहा है, यहाँ से ट्रेड लाइन भी आ रहा है, ऐसे ट्रेड लाइन भी आ रहा है, इसका 50% एक बार 50% देख लेता हूँ, 50% आया है कि नहीं, हाँ देखिए 50% तो ऊपर कर दिया, तो यहाँ तक ऊपर तक आ सकता है, ऊपर तक आ सकता है, कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एक बार और बड़ा करके दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा कैंडल है देखिए, सिर्फ बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बार उठ जाएगा ना तो ये रॉकेट जैसा सीन हो जाएगा इधर, इसका प्रीमियम आप लोग एक बार दिखा देते हो, देखिए प्रीमियम कितना ज़्यादा भाग रहा है, अभी 20 पॉइंट्स हो गया है, यहाँ एंट्री लेगा तो टॉपलस कितना रहता है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स टॉपलस में 20 रुपीज़ प्रॉफिट, कमाल का बात है भाई, देख सकते हैं हैकर वार जैसा सीन हो रहा है इधर, देखिए भाई देखिए हैकर वार जैसा, हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया था, आप लोग लॉजिक समझिए, लॉजिक से लेना देना है आपको, प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, ऐसा मार्केट ना आप लोगों को अफसोस हो रहा है बट मेरा अफसोस नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ऐसा मार्केट बहुत बार मिलता है, बहुत बार मिलता है भाई, तो क्यों अफसोस करूँगा ऐसा मार्केट लेकर जो हमको पर डे पर सेकेंड पर मिनट पर घंटा मिलता है, तो हम लोग को क्यों अफसोस होगा ना। तो चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एनालाइज सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट में, मतलब मार्केट सीखने के लिए एनालाइज ही सीखना होगा आपको लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए भाई, आप लोग एक बार एनालाइज सीख जाओगे ना
तो कसम खाते हो आप लोग बिजनेस नहीं करोगे, मतलब एनालाइज जैसे चीज़ मतलब एमएलएम मार्केट में तो एनालिसिस ही करना होगा, बट जो एनालिसिस होगा वो लाइव चैट में, लाइव में एनालिसिस करके दूंगा आप लोगों को। जो एनालिसिस हमने कर रहे हो ना लाइव मार्केट में करके दिखा रहे हो आप लोगों को, आप लोग देखना ऐसा वीडियो पार्टी आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देखना और देख के मतलब आप लोगों के पास जब टाइम होगा ना, जब टाइम होगा तब देखना, ठीक जब देखना है आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए, वीडियो देखने के लिए टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो हेडफोन हेडफोन लगा के वीडियो सुन सकते हो, ठीक है, मतलब तब आप लोगों को वीडियो देखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ, ये हमने वीडियो ख़त्म कर रहे हो 9:15 पे, वीडियो ख़त्म कर रहे हो मतलब 9:15 पे हम लोग एक ट्रेड हो गया है, आप देख सकते हैं 9:15 अभी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए और भी स्कैल्पिंग और भी ट्रेड मिलेगा तो आप लोगों को हम वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब में, आप लोग देख लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से एक मतलब मोमेंट और भी हो सकता है, यहाँ पर एंट्री आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो टॉप लॉस रहेगा इसका नीचे, और सॉरी टॉप लॉस रहेगा इसका नीचे रहेगा, टॉप लॉस थोड़ा 7 पॉइंट का आसपास टॉप लॉस है, और टारगेट जो मिलेगा आप लोगों को टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, टारगेट मतलब एक एक कैंडल में आप लोगों को मिल सकता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा तो एक कैंडल में आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा, इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा मार्केट में तो आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा। देखिए मतलब निफ्टी 50 में देखिए यार कैसा कैंडल हो रहा है, देखिए 1 गो में टारगेट मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, मार्केट बुलिश है, ठीक है, बुलिश होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक आया है, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आया है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तब जो जो लोग एंट्री इधर नहीं ले पाया है वो लोग क्या समझता है, एक बार प्राइस गिरेगा मतलब एक बार प्राइस गिरेगा तब हम लोग मैं एंट्री ले लूँगा, तो प्राइस एक बार गिरा गिरा है मतलब 103 पर आया है, तो यहाँ पर ने जितना लोगों ने वेट किया था ना उतना लोगों ने यहाँ से बाइंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर पैसा डाल रहा है, यही लॉजिक है, यहाँ पर डाल रहा है इसीलिए मार्केट ने यहाँ यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा रहा है, और कुछ नहीं लॉजिक है भाई, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए दूसरा वीडियो पे आप लोगों को मिलता हूँ, आप लोग देख सकते हैं टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है, थैंक यू गाइस।